How to create this type of sunset glow effect in CapCut? इस तरह एक रील्स में अभी के टाइम में लाखों पे व्यूज आ रहा है। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। तो इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो पे एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 फिल्टर का कॉम्बिनेशन बताएंगे जिसकी मदद से आप इस तरीके से सनसेट ग्लो इफेक्ट को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे चलकर जो आपको 3 टाइप्स का कलर कॉम्बिनेशन देने वाला है उसको आपको अपना वीडियो के हिसाब से अप्लाई करना है जिससे आपका वीडियो में अच्छा रिजल्ट आए। तो चलिए अभी टिप्स की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चले जाना है फिल्टर्स में। सबसे पहले आपको जाना है सिनेरियो पे, यहाँ पर एम्बर देखा था उसके ऊपर आपको टैप कर लेना, देन आपको राइट के ऊपर टैप कर देना है, अगेन आपको बैक कर लेना, देन अगेन जाना है एडजस्ट पे, एंड अभी आपको चले जाना है फिल्टर्स पे अगेन, देन आपको राइट साइड में स्क्रॉल कर लेना, यहाँ पर फर्स्ट में दिखा देगा ऑरेंज ब्लू, इसके ऊपर टैप कर लेना है, देन आपको राइट के ऊपर टैप कर देना है, देन अगेन जाना है आपको फिल्टर्स में, एंड यहाँ पर आपको सिनेरियो पे अगेन आना है, एंड यहाँ पर जो मॉडिफाइल है उसको आपको ऐड कर लेना है, एंड इसका स्ट्रेंथ को आपको अपने हिसाब से रखना है। तो मेरा यहाँ पर 30 पे ही अच्छा लग रहा है। तो मैं यही चीज आपको कहना चाह रहा था कि इफेक्ट्स को आपको अपने वीडियो के हिसाब से ऐड करना है, देन आपको यहाँ पर राइट के ऊपर टैप कर देना है, एंड उसके बाद आपको इफेक्ट पर जाना है, एंड वीडियो इफेक्ट पर जाना है, एंड यहाँ पर रेट्रो में चले आना है, एंड यहाँ पर आपको रेट्रो ब्लू को ऐड कर देना है, एडजस्ट में जाना है, ब्लर को रखना है 24, ग्लो को रखना है 50, एंड फिल्टर को माइनस कर देना है, शार्पन को आपको अपने हिसाब से रखना है, देन आपको राइट के ऊपर टैप कर देना है। तो ये है हमारा फर्स्ट फिल्टर कॉम्बिनेशन। नाउ गो टू द सेकंड फिल्टर कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आपको आना है एडजस्ट पे, देन आपको फिल्टर्स में चले जाना है, यहाँ पर आपको सिनेरियो पे आना है, एंड यहाँ पर एड करना है एम्बर, देन आपको यहाँ से एडजस्ट पे जाना है, एंड जिसका सैचुरेशन रहेगा उसको कर देना है अप्रोक्स 27 तक, देन शार्पन पे आना है, एंड इसको भी आपको इंक्रीज कर देना है अप्रोक्स 30 के आसपास कर देना है। ये डिपेंड करता है कि आपका वीडियो में क्वालिटी कितना है, अगर क्वालिटी लो है तो इसको ज्यादा ही ऐड करना, देन आपको जाना है HSL पे, एंड यहाँ पर जो ऑरेंज कलर है वहाँ पर चला जाना, देन इसका जो सैचुरेशन है इसको आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, इसको जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा तुम्हारे वीडियो में कलर का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। देन उसके बाद आता है ऊपर में ह्यू, तो ह्यू को अपने अकॉर्डिंग ऐड करना है, मेक श्योर इसको आप माइनस ही करना, मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ -13 तक, देन उसके बाद नीचे दिखा देगा लाइटनेस, इसको आप यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत यूज कर देना क्योंकि इससे अपना वीडियो में थोड़ा बहुत लाइट ऐड हो जाएगा, क्योंकि देखो हमारे वीडियो में लाइट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ अप्रोक्स 60 तक, देन मैं यहाँ पर राइट के ऊपर टैप कर दूंगा, देन जाना ग्राफ्स में, एंड यहाँ पर आपको रेड भी चलाना है, रेड भी आने के बाद आपको यहाँ पर हाईलाइट पे पॉइंट ऐड कर लेना, देन यहाँ पर शैडो पे एक पॉइंट ऐड कर देना है, देन उसके बाद जो हाइलाइट का पॉइंट रहेगा आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर अप करना है, आपको जितना ज्यादा ऑरेंज सिनेमैटिक टोन चाहिए उतना ज्यादा आप ऊपर कर सकते हैं, देन उसके बाद नीचे जो यहाँ पर शैडो में ऐड किया इसको थोड़ा सा नीचे की ओर लेके आना है, देन आपको यहाँ पर राइट कवर कर देना है टैप, ओके, देन जाना आपको हाईलाइट पे, एंड हाईलाइट को कर देना पूरा माइनस, देन जाना आपको बिगिनेट पे, ओके, एंड इसके ऊपर आपको एक चीज ऐड करना ही करना है, वो है हमारा ग्लो इफेक्ट, क्योंकि विदाउट ग्लो इफेक्ट इस पे जमेगा नहीं, तो जाना है आपको नाइट क्लब में, यहाँ पर कलर फ्लश इफेक्ट को ऐड कर लेना, इसका एडजस्ट पे चले जाना, देन एटमोस्फेयर को पूरा 100 कर देना, देन उसके बाद जो स्पीड रहेगा उसको कर देना माइनस, देन उसके बाद आपको रेंज पे चला आना है, रेंज को रखना है अप्रोक्स 30 तक, ग्लो को सबसे पहले आपको पूरा इंक्रीज कर देना है, देन उसके बाद आपको माइनस करना है, एंड देखना है कि कहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो मेरा 30 पे अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पर आकर छोड़ दिया, देन आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर टैप कर देना, तो हमारा ये ऐड हो चुका है। तो आप लोगों के लिए इतना ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना रहा हूँ, 1 लाख तो बनता है, कुछ तरीका है भीख मांगने का। देन गो टू द लास्ट फिल्टर कॉम्बिनेशन, आपको जाना है फिल्टर्स पे, एंड आपको सिनेरियो पे आना है, नीचे लेफ्ट साइड में दिखा देगा रेडियंस, इसके ऊपर टैप कर लेना, देन उसको राइट के ऊपर टैप कर देंगे, देन उसके ऊपर और एक फिल्टर्स को अप्लाई करेंगे, अगर आपको सिनेरियो पे जाना है, एंड अगर आपको एम्बर को यहाँ पर ऐड कर देना है, तो देख पा रहे हैं इसको अप्लाई करने के बाद तुम्हारे वीडियो में अच्छा खासा जो सिनेमैटिक सनसेट वाला टोन है वो यहाँ पर आ जाएगा, देन उसके बाद तुम्हारा कलर कम्प्लीट हो चुका है। तो आज का वीडियो यहीं देखिए, आई होप आपको ये 3 कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपना वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।